अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां 2 अक्टूबर को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मद्य निषेध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कई वक्ताओं ने उद्बोधन किया। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि रीवा जिला विगत 20 वर्षों से अधिक प्रगति किया है, वहीं नशे के क्षेत्र में भी मामले बढ़े हैं। अति आवश्यक है कि जिले को आर्थिक विकास के साथ साथ नशा मुक्त बनाया जाए। आइए सुनते हैं आयोजित कार्यक्रम के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या संदेश दिया है। जयंती में आज हमारे जिले के जो प्रमुख हैं, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय SP साहब हमारे महाविद्यालय में हैं। मैं पुनः हृदय से महाविद्यालय की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, बाड़नी जिला कलेक्टर श्री मनोज पुष्प जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आशीर्वचन स्वरूप। तो ये समाज के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता की बात हो जाएगी और बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी संजीवनी का काम करेगी। तो आप लोगों से इस अवसर पर अपील है कि आप लोग कहीं भी ऐसा डेविएशन देखें, परिवर्तन देखें, तो एक बार बच्चे से 2 से 5 मिनट बात जरूर करें। परिवार में कोई समस्या हुई है क्या, कहीं वो नंबर कम आए हैं क्या, या उसने कहीं आजकल नए नए लोन ऐप आ गए हैं। पहले हमें लोन लेना होता था तो हम लोग बैंक जाते थे, बैठते थे, लंबे चौड़े फॉर्म भरते थे। अब मान लीजिए बच्चा नशे में शामिल हो गया और होने के बाद वो घर पर तो बोलेगा नहीं कि मुझे इतनी राशि दीजिए, इतने पैसे दीजिए, मुझे कोरे खरीदनी है। कोई पेरेंट देंगे क्या? नेचुरली नहीं देंगे। तो उन जरूरतों को पूरी करने के लिए वो किसी भी अपने सबके पास स्मार्टफोन है। SP साहब ने नशा मुक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें की है और आज पूरा प्रदेश नशा मुक्ति दिवस के रूप में आज के दिवस को मना रहा है और ये सभी जिलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और रीवा जिले के लिए बड़ा ही सामयिक प्रोग्राम है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में रीवा जिले में जो आर्थिक प्रगति हुई है उसके साथ साथ नशे की आदत और लत भी काफ़ी बढ़ी हुई है। हम लोग कई फोरम पर ये बातें कर रहे हैं और इसको टैकल करने के लिए प्रशासनिक और पुलिस का जो प्रयास है वो पर्याप्त नहीं है और वो कभी भी प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकता है। हमें एज पेरेंट्स, एज टीचर, एज सोशल पावर ब्रोकर्स इस पे फोकस करने की आवश्यकता है, नहीं तो आर्थिक विकास और नशे की आदत साथ साथ चलती है। बहुत सारे उदाहरण। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।